आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को प्रधानमंत्री ने वाराणसी से किया रवाना, कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का हो रहा है काम। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश, राहत और पुनर्वास के कार्यों, कैबिनेट की बैठक जारी। हमारे संवाददाता नीरज सिंह की जोशीमठ से खास रिपोर्ट, एनटीपीसी की परियोजना से नहीं हुआ कोई नुकसान। छत्तीसगढ़ सरकार में सचिव, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कारोबारियों के घर ईडी ने दी दबिश, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में एक साथ कई जगहों पर छापा, कोल और परिवहन घोटाले से जुड़ा मामला। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी राजमार्ग पर बस और ट्रक की भिड़ंत, 10 यात्रियों की मौत, कई घायल। आज रात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ले जाया जाएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का पार्थिव शरीर, कल पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए अटॉर्नी जनरल ने नियुक्त किया विशेष सलाहकार, रॉबर्ट हुए हुर करेंगे गोपनीय दस्तावेज मामले की जांच। और पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का पहला मुकाबला, स्पेन से होगी भिड़ंत, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड और वेल्स के बीच भी आज अहम मैच। दर्शकों को विश्व कप के मैचों के विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई 9 विशेष ट्रेनें। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा के पास। जी अरुण, क्या अपडेट इस बैठक से? और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये इस बैठक के अंदर मौजूद है। बजट से पहले इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि बजट के अंदर जो एक दिशा होगी, एक जो विजन होगा, जो सोल ऑफ द बजट जिसको हम कहते हैं, वो उसका कहीं ना कहीं बेसिस इस बैठक के अंदर आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। आपने दर्शकों को यहाँ बता दें ऋतु जी के कई सारे प्रोमिनेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर यहाँ पर मंथन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनपुट किए जा रहे हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारी केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने पेश की गई हैं। दो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस बैठक के अंदर उठते हुए दिखाई दिए। नंबर वन, एग्रीकल्चर क्षेत्र को जुड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि आखिरकार एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को हम देश में कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत के कई सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। एक तरफ जब दुनिया भर के अंदर फूड सिक्योरिटी को लेकर फूड क्राइसिस की बात हो रही है, ऐसा भारत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भारत मुहैया करा रहा है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भारत की पहल पे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो मोटे अनाज को कैसे इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो सके, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके इस मोटे अनाज के मोटे। जी अरुण, बजट से पहले प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री समेत तमाम विशेष आर्थिक सलाहकारों के साथ ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। अरुण, ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले बजट को लेकर क्या मुख्य क्षेत्र हैं? कृषि के बारे में आपने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था के जो बेहतर संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं, वैश्विक जो हालात अर्थव्यवस्थाओं के हैं उसमें भारत बेहतर कर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए किस तरह से ये बैठक अहम है? जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण बता रहे थे कि बजट से पहले ये बैठक काफी अहम है, इसमें कई ऐसे मोर्चे रहेंगे आर्थिक क्षेत्र के जिनको लेकर, बजट में आवंटनों से लेकर देश के लिए प्राथमिकता के लिहाज से
कई ऐसे मुद्दों पर आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की जो ये बैठक है इसमें मौजूद हैं, इसमें इन तमाम मसलों पर चर्चा होगा। और आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। ये क्रूज दो देशों की यात्रा करते हुए कुल डिब्रूगढ़ तक 3,200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। नदी क्रूज के इतिहास में ये अब तक की सबसे लंबी यात्रा है। 51 दिन की यात्रा में गंगा विलास क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटक स्थलों से गुजरेगा। साथ ही ये 15 दिन तक बांग्लादेश में भी यात्रा करेगा। इस आलिशान क्रूज में 18 स्वीट हैं, इसमें 36 पर्यटकों और 40 चालक दल के ठहरने की व्यवस्था है। क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 में देश में सिर्फ 5 जलमार्ग थे, अब 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम हो रहा है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे, आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था, आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। उन्होंने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। ये परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी और वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे PPP मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक रह सकेंगे। प्रधानमंत्री ने गंगा विलास को क्रूज को रवाना करने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पांडु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। उन्होंने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा गाजीपुर जिले के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी। और इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, सबसे पहले तो वाराणसी के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के लिहाज से ये आज जो ये क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से कितना बड़ा दिन? देखिए, वाराणसी के लिहाज से अगर आज का दिन देखा जाए तो तमाम महत्वपूर्ण जो दिन रहे हैं, जो बड़ी परियोजनाएं बड़ी संभावनाओं के साथ खुले थे, उनमें एक बड़ी संभावना है। गंगा वाराणसी तक इतनी गहरी है कि क्रूज आराम से चलाए जा सकते हैं और गर्मी में भी पानी इतना रहता है। जैसे की जो जल यातायात शुरू हो रहा है, ये तो क्रूज है तो पर्यटक की संभावनाएं बढ़ रही है। आप कल्पना करोगे कि वाराणसी में 1 लाख से अधिक पर्यटक
ऐसे ही दिनों में रहता है सामान्य दिनों में। सारे होटल फुल है, टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और तो ये पर्यटन की नई संभावना देखी जा रही है। पहले कभी ऐसी संभावना नहीं देखी गई थी कि जल के माध्यम से कैसे पर्यटन किया जाए। वाराणसी में भी नाव चलती थी लेकिन बहुत छोटे थे, वाराणसी में भी क्रूज चल रहा है और जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ते हुए क्रूज आ रहा है, 50 दिन की डिब्रूगढ़ से बनारस कनेक्ट हो रहा है, तो ये अपार संभावना है। तो व्यवसाय के लिहाज से भी, वाराणसी के लिहाज से भी और काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा है कि बदलती हुई वाराणसी पर्यटन के लिहाज से बहुत अपार संभावनाओं को लेकर आ रही है। रामेंद्र, हम देखते थे कि देश में अगर क्रूज की बात हो तो लोग गोवा को ही याद करते थे, लेकिन आध्यात्मिक भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में जिस तरह से एक तरह से एक पर्यटन को एक नया रूप दिया गया है, इस शहर को एक नया रूप दिया जा रहा है जिसमें सुविधा संपन्नता को ज्यादा देखा जा रहा है कि पर्यटक अगर दूर दराज इलाकों से आते हैं और एक तरह से देश में पर्यटन को लेकर बदलते नजरिए को भी पेश किया जा रहा है। देखिए तो वाराणसी का जो पर्यटक देखने आता है वो तो पुरानी वाराणसी काशी को देखने आता है, वो मंदिर देखना चाहता है, यहाँ के छोटे छोटे जो अस्थल है उनको देखना चाहता है, लेकिन रहना चाहता है भव्य वाराणसी में। तो वाराणसी दो तरीके से डेवलप हो रही है, एक तो वो पुरानी काशी जो अपने सारे इतिहास को समेटे हुए है, जो अपने साहित्य को समेटे हुए है, जो अपने कल्चर को समेटे हुए है, जो अपने आध्यात्मिक जो निर्माण स्थल है उनको समेटे हुए है, जो पुरातात्विक प्रकार की चीजें है उनको समेटे हुए, और एक वो काशी है जहाँ शानदार होटल बन रहे हैं, जहाँ टेंट सिटी लग रही है, जहाँ गंगा नदी में क्रूज चल रहे हैं, जहाँ घाटों को नया रूप दिया गया है, घाटों का रख रखाव नए तरीके से किया जा रहा है। तो काशी दो तरीके से डेवलप हो रही है और इसी के कारण दुनिया का पर्यटक काशी भागता हुआ आना चाहता है। हमने पर्यटकों से बात की, जब वो गंगा आरती देख रहे थे तो उन्होंने कहा हमारा धर्म तो नहीं है हिंदू, हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन जब गंगा आरती हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी धार्मिक प्रयोजन में खड़े हैं, तो हमने मन से उनको प्रणाम किया। ये काफी है जिसको देखने दुनिया से लोग आ रहे हैं। जी रामेंद्र, देश और दुनिया से, यानी दुनिया से लोग आते हैं पर्यटन के लिहाज से, लेकिन देश और दुनिया से भारतीय जब पहुंचते हैं तो वो आस्था है, आध्यात्म है जो उन्हें खींच के लाता है वाराणसी तक। ऐसे में जहां आपने बात की कि तमाम होटल हैं, रहने की ठीक ठीक सुविधा है वाराणसी में, टेंट सिटी किस तरह से एक नया बदलाव होगी, क्या जरूरत थी? देखिए टेंट सिटी आप देखिए ना कि अगर राजस्थान आदमी जाता है तो क्यों जाता है, सैम गांव जाता है वहां रुकता है, यहाँ सैम गांव यहाँ बालू पर पूरी टेंट सिटी बनाई गई है और आप टेंट सिटी देख के आपने विजुअल देखते होंगे, लाजवाब टेंट सिटी बनी है और वो सारी सुविधाएं हैं जो हो सकती थी। इसलिए ये टेंट सिटी का होना है कि जो पर्यटक आएगा वो कम से कम देखेगा कि रुकने की कहाँ कहाँ जगह है और क्या परिस्थितियां हैं जहाँ रुक सकता है, ये नई तरीके की संभावना है। रामेंद्र, वाराणसी और आसपास के जिलों के लिए रोजगार के लिहाज से कितनी बड़ी उम्मीद ये मानी जाए, आज जो शुरुआत हुई है चाहे वो गंगा क्रूज हो या फिर टेंट सिटी हो या उस आइडिया को लेके इस रोड मैप पर कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से देश भर में जलमार्गों को लेके जो काम हो रहा है, अगर वाराणसी के लिहाज से भी बात करें तो वाराणसी के लिहाज से तो अपार संभावनाओं वाला ही है। उसके अलावा समझे कि गाजीपुर बलिया में जो जेटी बन रही है, ये केवल पर्यटन के लिहाज से ना देखो, कृषि के लिहाज से देखो, जहाँ किसान की बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हैं, वो छोटी जगहों पर सामान भेजना चाहता है, छोटे जलमार्ग से भेज देगा, नाव से भेज देगा, बहुत सारी ऐसी कृषि है जो नदी के किनारे ही होती है, तो ये अपार संभावनाओं का क्षेत्र है पर्यटन, कृषि और जो बाकी चीजें जो कल्चर है, जो कल्चर दिखाने लायक है। आप गाजीपुर जाओगे अलग मिलेगा, आप सुनार जाओगे वहाँ के किले देखोगे, पठार मिलेगा, झरने मिलेंगे, तो जो नेचुरल पर्यटन है वो भी नदी के किनारे मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि जो लोग स्वीडन जाना जाते थे, विदेश जाते थे, जो नदियों के किनारे की संस्कृति को देखना चाहते हैं वो भारत में देख सकेंगे, इसकी भी संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में अभी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, देशी पर्यटक भी इसमें रहेंगे और इसको बड़ा फायदा मिलेगा। पूरे जितने गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं, जो सांस्कृतिक नगर हैं, उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर।
छत्तीसगढ़ में कोयले पर कमीशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अशोका टावर, ऐश्वर्या किंगडम, शंकर नगर के कुछ बंगलों के अलावा शहर के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसके अलावा रायपुर में आईएएस पी अम्बलग के निवास पर भी छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी आईएएस अधिकारी, कारोबारी और राजनीति से जुड़े लोगों के ठिकानों पर हो रही है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया और आईएएस समीर बिश्नोई गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की 20 टीमें छापेमारी कर रही हैं। गुरुवार रात में ये टीम होटल में रुकी हुई थी। और मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे इस पे क्या अपडेट है अभी? करीब 5:30-6 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की है। जो कोयला घोटाला है उसके मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था उसके सिलसिले में ईडी की टीमें करीबन, कहा जा रहा है कि करीब 20 टीमें इस रेड में लगे हुए हैं। रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में ये रेड जारी है। जो कोल स्कैम, कोल घोटाला जिसे कहते हैं, वो एक पिछले साल अक्टूबर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एंड ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी और इसी के सिलसिले में आज एक ये रेड डाली जा रही है। इससे पूर्व भी ईडी ने कई जगह अपनी छापेमारी में कई अधिकारी और राजनेताओं को भी अपने जांच का दायरा बढ़ाया था और इसके पूर्व मुख्यमंत्री की सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव सौम्या चौरसिया, इन पर ईडी ने कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किए गए और अभी फिलहाल वो जेल में। इसके साथ ही एक समीर बिश्नोई जो है वो ब्यूरोक्रेट से, उन्हें भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही जो कोयला व्यापारी है सूर्यकांत तिवारी, उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी और एक दूसरे कोयला व्यापारी सुनील अग्रवाल, ये अभी गिरफ्तार हुए है और आज की रेड इसी कड़ी का एक भाग समझा जा रहा है। जी, आपने बताया कि आईएएस अधिकारी और राजनीति से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। क्या ईडी ने कुछ खुलासा किया है कि राजनीति से जुड़े कौन से नाम इसमें शामिल हैं? ईडी ने अभी तक इस बारे में कोई खुलासा तो नहीं किया है कि कौन राजनेता इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक संकेत है कि इसमें राजनेता भी जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से शिकंजा कसा गया है ईडी ने मुख्यमंत्री के कार्यालय के उप सचिव रही सौम्या चौधरी पर, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनेता भी शामिल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने त्रिपुरा के अगरतला में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में भाग लिया।
देश भर में होने वाले 750 युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ये आयोजन उन्हें एक दूसरे से जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आज मैं कह सकता हूं जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये अपने आप में भारत में एक ऐसा अवसर है कि हम भारत के गौरवशाली इतिहास को, कला संस्कृति साहित्य को दुनिया को बता सके, दुनिया को उससे अवगत करवा सके। और ये मौका हमारे युवाओं के पास भी है क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत Y20 का एंगेजमेंट ग्रुप भी है, यानी कि यूथ 20, इसकी मीटिंग्स भी देश भर में होंगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में पीएम मोदी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए कई कार्य किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रदूषण मुक्त या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो COP 21 में और COP 26 में भारत ने नेतृत्व देने का काम किया है। और नेतृत्व किस दिशा में, जब दुनिया के बड़े बड़े देश हट गए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनवाया, जो 2030 का लक्ष्य था सोलर पावर जनरेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड और सोलर का, वो हमने 2030 नहीं, 9 साल पहले भारत ने 2021 में ही पूरा करने का काम किया, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अंतिम दर्शन करने वालों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। अब कल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को उनके दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शरद यादव को याद करते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले हमारे वरिष्ठ नेता शरद यादव जी हमारे बीच नहीं है, उनकी क्षति हम सभी को हमेशा खलती रहेगी। समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वो सच में हमको प्रेरणा देती है। क्या समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं है, उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी। समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह सच में हम सबको प्रेरणा देती है। खराब सेहत के कारण समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कल रात निधन हो गया था। शरद यादव
1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे। 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया। शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जो 70 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला उन्होंने और चर्चा में आए। हालांकि बीते कुछ साल से खराब सेहत के कारण वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार और 2 बार जबलपुर से सांसद रहे। शरद यादव 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन उनकी पार्टी ने जब गठबंधन से नाता तोड़ा तो उन्होंने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि 70 के दशक में छात्र नेता रहे शरद यादव ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। शरद यादव संसद में राष्ट्रीय स्तर पर वंचितों की सशक्त आवाज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर अपनी संवेदना जाहिर की और कहा कि डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित शरद यादव ने सार्वजनिक जीवन की लंबी अवधि में खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। पीएम ने कहा कि वो उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा अपनी यादों में संजोए कर रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनका शरद यादव से बहुत गहरा संबंध था और वो इस खबर से स्तब्ध हैं। नीतीश ने उन्हें एक प्रखर समाजवादी नेता बताया और कहा कि उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। अमित शाह राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री 2 आतंकी हमलों के बाद जमीनी स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। अमित शाह की यात्रा का उद्देश्य स्थानीय लोगों में सुरक्षा की चिंताओं को दूर करना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे भू धसाव मामले की जांच के लिए गठित कमेटी में 2 स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों को भी शामिल करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। कमेटी में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन समिति के निदेशक MPS बिष्ट को शामिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने जोशीमठ में निर्माण पर लगी रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है। भूदसाव से अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ को बचाने और स्थानीय नागरिकों के पुनर्वास के मुद्दे पर आज राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी क्षेत्र प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की सहायता देना कल से प्रारंभ कर दिया गया है। अभी किसी के घर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि केवल घर खाली कराया जा रहा है। धामी ने कहा कि वहां पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। वहां 60% से अधिक चीजें सामान्य रूप से चल रही हैं। हम पुनर्वास की कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। और जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता नीरज। नीरज, आप लगभग एक लंबे समय से जोशीमठ में हैं। जिस दिन ये त्रासदी हुई उसके बाद से आप वहां मौजूद हैं। आपने वो भी देखा कि जिस समय लोगों से घर खाली करने को किया कहा गया तो किस तरह का आक्रोश था, लेकिन क्या अब लगता है कि आज भी जो कैबिनेट की बैठक में तमाम उन फैसलों को लेकर एक आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री धामी ने, उससे लोग आश्वस्त भी हैं और एक तरह से सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस समय पुनर्वास के काम को सही तरीके से पूरा करने में? देखिए बिल्कुल ऋतु, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री खुद 2 बार जनता के बीच में गए और जिस समय आक्रोश भी था
उस समय भी जनता के बीच में जाकर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके दुखों को दूर किया जाएगा, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि अंतरिम तौर पर 1.5 लाख की जो रकम है वो सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसमें 50,000 रुपये शिफ्टिंग को लेकर थी, और आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और उसमें ये तय होगा कि जो पुनर्वास की नीति है वो किस तरह की होगी। हालांकि 2-3 जो जगह हैं वो ज़रूर आइडेंटिफाई की हैं सरकार ने, और जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ लगातार सरकार टच में है। खुद जो जिलाधिकारी चमोली हैं उनकी अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो ये देखेगा कि उनको जो रकम है पुनर्वास की जो रकम है वो कितनी दी जाएगी, और जहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा कितनी ज़मीन उन लोगों को दी जाएगी, उसको लेकर भी लगातार जो बातचीत है वो प्रशासन कर रहा है। और इस 13 सदस्यीय कमेटी में ना केवल जिलाधिकारी हैं बल्कि जो पार्षद हैं, विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो इसमें शामिल हैं, और वो उन लोगों से लगातार बात करेंगे जो पीड़ित परिवार के लोग हैं। निश्चित तौर पर लोग कह सकते हैं कि संतुष्ट हुए हैं, और पिछले 2 दिनों में उस तरह का जो प्रदर्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है जोशीमठ में, जो पहले देखने को मिल रहा था। जो होटल वाले लगातार उनके परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होटल के मालिक हैं उनके साथ भी प्रशासन की बातचीत हुई है। तो अब लग रहा है कि जोशीमठ का जो समाधान है वो एक बेहतर दिशा की ओर जा रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार कहाँ तय करती है, क्या पीपल कोठी वहाँ पर इनको जगह दी जाएगी, या धौली ये NTPC का जो जगह है वहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी लैंड पड़ी हुई है, इसके अलावा औली में भी काफ़ी बड़ी लैंड पड़ी है। तो अब ये देखना होगा कि कहाँ इनको परमानेंटली सेटल किया जाएगा ताकि सभी लोग संतुष्ट हो सकें, क्योंकि इसमें कारोबारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, और वो लोग भी हैं जो वहाँ पर रोजी रोटी कमाते हैं और वहीं लोकल धंधा करते हैं। तो इन तीनों ही तरह के लोगों को शेयर होल्डरों से बात करके एक स्थायी समाधान पर जो सरकार और प्रशासन है वो जल्द से जल्द पहुंचेगी। नीरज, एक सवाल। हाईकोर्ट ने आज 2 विशेषज्ञ सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया है, इसके पीछे क्या मंशा, क्या मायने माने जाए, इसलिए भी कि जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई उसके बाद से अगर आज तक की 2022 तक की बात करें, 1976 से कई समितियां, कई कमेटियां बनी हैं, कई ऐसे सर्वे हुए जिन्होंने जोशीमठ में इस तरह की आशंकाओं को जताया था। तो क्या आपको लगता है कि 2 विशेषज्ञों को और शामिल करने की जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, इसके पीछे के कारण? देखिए, बिल्कुल इसके पीछे साफ कारण है कि जो भी अब जो स्थायी समाधान होगा या जो शिफ्टिंग होगी उसके पीछे सभी साइंटिफिक कारणों की जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा जो ज़मीन है जहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 10 सालों में फिर वहां इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए। उस ज़मीन की प्रॉपर तरीके से जाँच की जाएगी, उसकी मैपिंग की जाएगी टेक्निकल और फिजिकल दोनों तरफ से, और उसके बाद ही जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की जो आपदा अब जोशीमठ में आई हुई है वो ऐसी उस जगह पर ना आए जहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद अगर ऐसी स्थिति वहां आ गई तो फिर इतना खर्चा और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की शिफ्टिंग करने का कोई कह सकते हैं फायदा नहीं होगा। ऋतु, यही कारण है कि उन विशेषज्ञों को रखा गया है जो इकोसिस्टम के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि जमीन के ऊपर अनावश्यक दबाव ना पड़े, जमीन के ऊपर अनावश्यक रूप से जो प्रेशर है वो ना आए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो उत्तराखंड है या फिर जोशीमठ के अलावा दूसरे स्थानों पर देखने को मिले। तो यही कारण है कि उन विशेषज्ञों को रखा है, वो पूरी वैज्ञानिक जांच के बाद ही रिपोर्ट देंगे और उसके बाद सरकार शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू करेगी। जी नीरज, बदलते मौसम में क्या किसी तरह का पूर्वानुमान या फिर किसी खतरे का कोई आशंका है इस इलाके में? देखिए, अभी तो कोई आशंका नहीं है, और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि CM ये कह रहे हैं कि किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को एहतियात के तौर पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि बारिश और जो जोशीमठ के ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से ठंड ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है उस इलाके में, लेकिन आज मौसम साफ है और ठंड का जो इंतजाम है वो भी प्रशासन कर रहा है, लोगों को शिफ्टिंग में भी मदद कर रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सहायता है उन लोगों को की जा सके, ताकि जो लोग परेशान हैं इस सर्दी में उनको कम से कम कुछ फौरी तौर पर राहत मिले, और इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, पूरी जानकारी के लिए जोशीमठ से। और केंद्र सरकार ने साल 2027 तक देश से लिम्फेटिक फाइलेरिया यानी हाथी पांव बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।
नए भारत में ये बीमारी इतिहास बन जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रोडमैप तैयार किया है। भारत ने फाइलेरिया को उन्मूलन के लिए प्राथमिकता वाली बीमारी की श्रेणी में रखा है और इसे तय समय के भीतर खत्म किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित रणनीति बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस संशोधित रणनीति को आज जारी किया। उन्होंने इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से इस संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया यानी हाथी पांव के प्रति जागरूकता के लिए स्कूलों, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में अभियान चलाने की जरूरत है। 218 जिलों में फाइलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए साल में दो बार बड़े पैमाने पर दवा दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसा संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए जितना अच्छा पाथवे आप तय करेंगे, इतना समय सार आप आपके गोल को अचीव कर पाएंगे। हम ऐसे ग्रुप, समूह, जूथ, संस्थाएं, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज उसको साथ में ले सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि उसको पार्टनर करना चाहिए। और जैसे कि हमने बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। अमित शाह राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री दो आतंकी हमलों के बाद जमीनी स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास के साथ। सुधाकर, गृहमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, कई लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से तो है ही, लेकिन राजौरी में जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए लोगों में एक विश्वास जगाना कि वो सुरक्षित हैं, ये सबसे ज्यादा अहम इस समय लगता है। बिल्कुल ऋतु, और देखिए गृहमंत्री का सीधे वहां जाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र में किसी गांव में हो, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। हालांकि ताजा सूचना यह है ऋतु कि मौसम काफी खराब है राजौरी में। जम्मू में भी बारिश हो रही थी, हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। राजौरी में भी बारिश और एक तरह से बादलों की स्थिति, तो सुबह गृहमंत्री का जो हेलीकॉप्टर जम्मू से जाना था वो मौसम की खराबी की वजह से नहीं जा पाया। तो अभी फिलहाल शेड्यूल के हिसाब से अगर आप बात करें तो फिलहाल गृहमंत्री जो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक करनी थी उनको LG के साथ, जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी मौजूद रहेंगे, वो सुरक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद फिर एक बार फिर से असेसमेंट किया जाएगा मौसम की स्थिति का। अगर मौसम ठीक रहा तो वो राजौरी जाएंगे, वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि सुरक्षा के लिए सर्वोपरि उपाय किए जाएंगे। तो हालांकि वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका असेसमेंट किया जाएगा, लेकिन काफी अहम दौड़ा और ये अहम संदेश कि नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएंगे। ऋतु जी, सुधाकर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अपने स्टेम के ज्ञान की कर लो तेज धार। भारत की सबसे बड़ी स्टेम क्विज में हिस्सा लेकर आपको मिलेगा 2 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार जीतने का मौका। ये अवसर आया है प्रतिष्ठित संस्थानों में भ्रमण का मौका लेकर। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र 16 जनवरी से पहले stemquiz.gujarat.gov.in पर निशुल्क पंजीकरण करें। गुजरात स्टेम क्विज 2.0, नई पीढ़ी का नया सफर।
और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ हमारे साथ शामिल है हमारी साथी सुचित्रा जी। सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। सबकी नजर आज हॉकी पर है। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आज शाम 7 बजे होने वाले मुकाबले में भारत का सामना स्पेन से होगा। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबलों की शुरुआत आज से हो चुकी है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ था। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुकाबले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर 24 और राउरकेला 20 मैचों की मेजबानी करेगा। 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 16 टीमों को 4-4 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया अपनी मेजबानी में हो रहे टूर्नामेंट में 48 साल बाद पदक जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। अगर वही इस बार पदक जीतने में सफल रहती है तो 8 बार के ओलंपिक चैंपियन टीम का फिर से विश्व हॉकी में दबदबा बनने की संभावना मजबूत होगी। भारत ने अब तक 3 पदक जीते हैं। एक पदक शुरुआती संस्करण 1971 में जीता था, दूसरा पदक 1973 में जीता था। अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। 1975 के बाद से भारतीय टीम हॉकी विश्व कप में अपने रुतबे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, यहां तक कि सेमीफाइनल में भी प्रवेश नहीं कर सकी। वर्ष 1978 से 2014 तक तो टीम ग्रुप दौर से आगे नहीं बढ़ सकी। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में इस बार टीम को पदक का दावेदार माना जा रहा है। दुनिया के 6 नंबर की भारतीय टीम ने हाल ही में दुनिया की नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ प्रभावशाली खेल दिखाया। हालांकि सीरीज में उसे 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। कुछ ग्राहम रीड की टीम 6 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को पहली बार एक मैच में हराने में सफल रही। पिछली बार भी विश्व कप भुवनेश्वर में खेला गया था, लेकिन भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से हार गई थी। भारतीय टीम पुल डी में स्पेन के खिलाफ जीत से शुरुआत करना चाहेगी। इससे उन्हें पुल डी में शीर्ष पर आने का मौका मिलेगा। क्रॉस ओवर मैच खेलने पर ज्यादा मजबूत टीमों की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। स्पेन की टीम भारत के लिए कभी भी आसान प्रतिद्वंदी नहीं रही। यूरोपियन टीम की विश्व रैंकिंग 8 है। अभी तक स्पेन ने खिताब नहीं जीता है, लेकिन 1971 और 1998 में वह उप विजेता रही थी। उसने 2006 में कांस्य पदक पर कब्जा किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब एक नजर डाल लेते हैं हॉकी विश्व कप में हिस्सा ले रही टीमों पर और जानते हैं कि किस टीम की क्या स्थिति है और क्या रैंकिंग है। हॉकी विश्व कप को लेकर तमाम टीमों के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग रोमांच की हर हद को पार करेगी। भारतीय टीम ग्रुप डी में है, जहां टीम के साथ इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीम है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल की राह अगर आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी टीम किस ग्रुप में है और उनकी क्या स्थिति है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम की रैंकिंग नंबर 1 है और टीम 3 बार की विश्व विजेता है। 2018 के विश्व कप में टीम तीसरे नंबर पर रही थी। अर्जेंटीना की बात करें तो ये टीम विश्व रैंकिंग में फिलहाल 7वें नंबर पर है। टीम का बेस्ट प्रदर्शन 2014 के विश्व कप में दिखा था, जब इस टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। टीम को अभी तक विश्व कप ट्रॉफी उठाने का इंतजार है। फ्रांस की बात करें तो इस यूरोपीय टीम की रैंकिंग 12वीं है। टीम का बेस्ट प्रदर्शन 1990 में रहा, जब टीम ने 7वां स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप से आने वाली इस टीम की रैंकिंग 14वीं है। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में अब तक 3 बार 10वें पायदान पर रहा है, जो उसका बेस्ट प्रदर्शन है। ग्रुप बी में बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान की टीम है। बेल्जियम की विश्व रैंकिंग 2री है। बेल्जियम ने सिर्फ 1 बार विश्व कप खिताब जीता है। टीम ने साल 2018 में ये कामयाबी हासिल की थी। जर्मनी की विश्व रैंकिंग 4थी है। टीम ने 2 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और टीम ने आखिरी बार साल 2006 में इस खिताब को अपना बनाया।
दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 10वें स्थान पर है और टीम साल 2002 और 2006 में चौथे स्थान पर रही। जापान, टीम रैंकिंग में 16वें स्थान पर है और विश्व कप में दो बार 9वें पायदान पर पहुंच चुकी है। ग्रुप सी, ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया और चिली की टीम है। नीदरलैंड टीम की विश्व रैंकिंग तीसरी है। टीम ने तीन बार विश्व कप का खिताब जीता है और आखिरी बार टीम ने साल 1998 में खुद को चैंपियन बनाया था। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की टीम रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। टीम चार बार टूर्नामेंट में 7वें स्थान पर रही है। मलेशिया, मलेशिया 11वीं रैंकिंग की टीम है। टीम ने 1975 के विश्व कप में चौथा स्थान हासिल किया था, जो इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चिली, चिली की टीम पहली बार विश्व कप में शिरकत कर रही है। ये दुनिया की 22वें नंबर की टीम है। ग्रुप डी, ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीम है। भारत, भारत की रैंकिंग छठी है और टीम सिर्फ एक बार यानी 1975 में विश्व सरताज बनने का गौरव हासिल कर चुकी है। यानी टीम को लंबा समय हो चुका है विश्व कप का खिताब जीते। हालांकि टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से कांस्य पदक को अपना बनाया, ऐसे में टीम से एक बार फिर से उम्मीद बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड, विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर पर यह टीम मौजूद है। टीम को अभी तक विश्व कप ट्रॉफी का इंतजार है। इस टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1986 का विश्व कप रहा, जब टीम उपविजेता के तौर पर सामने आई। स्पेन, स्पेन की टीम विश्व रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। टीम ने 1971 और 1998 में फाइनल तक का सफर तय किया। वेल्स की टीम पहली बार विश्व कप में शिरकत कर रही है। टीम की रैंकिंग 15वीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत और स्पेन के बीच आज होने वाले मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राउरकेला से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, राउरकेला में आज शाम 7 बजे भारत का सामना स्पेन से है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल के बाद काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं इस भारतीय टीम से, तो किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है हॉकी फैंस में इस मुकाबले को लेकर? बिल्कुल सुचित्रा, राउरकेला जो नया बिरसा मुंडा स्टेडियम है वो गवाह बनेगा आज के भारत और स्पेन के मुकाबले से। इससे पहले यहां पर एक मैच और खेला जाएगा जहां इंग्लैंड वेल्स खेलेंगे, लेकिन आपको बताऊं जिस तरह का पूरा स्टेडियम है, आप देखिए नया स्टेडियम है, 15 महीने पहले ये बनकर तैयार हुआ है, एक लिमिटेड पीरियड में इसको बना करके दिखाया है। जिस तरह का यहाँ का माहौल है, क्योंकि ये उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है, तो यहाँ वेदर भी माकूल है सभी टीमों के लिए। थोड़ी सी यहाँ पर सर्दी है, हवा भी अच्छी है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट का पैरामीटर्स ऊपर बढ़ेगा, मुकाबले आगे बढ़ेंगे, तो शायद माहौल में भी गर्मी आएगी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और फैंस के जोश में भी यहाँ पर गर्मी दिखाई देगी। आज का जो मुकाबला है उसमें सभी की निगाहें हैं, क्योंकि भारत अपना यहाँ पर वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा स्पेन के खिलाफ, और टीम को लेकर के टीम पिछले कई दिनों से यहाँ पर कैंप लगा करके खेल रही है। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीदें जगी, क्योंकि नया साल है और नई उम्मीदें हैं। भारत 48 साल के ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के लिए यहाँ पर उतरेगा, तो उनको एक अच्छे माहौल में, एक नए स्टेडियम में इतिहास रचने का मौका मिलेगा। यहाँ से वो शुरुआत करेंगे अपने अभियान की। सुचित्रा, बताऊँ जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन है, हरमनप्रीत इस बार लीड करेंगे, मनप्रीत और सुरजीत फॉर्मर कैप्टन उनका साथ देते दिखाई देंगे, और साथ ही साथ जो टीम में अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, आपको अलग प्लेयर दिखाई दे रहे हैं जिसमें आकाशदीप है, ये तमाम वो खिलाड़ी जिनको अच्छा खासा अनुभव है, जिनको बड़ी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करने का यहाँ पर एक तजुर्बा है, जिन्होंने बर्मिंगम में करके दिखाया, टोक्यो में करके दिखाया, और हमने स्पेन में टोक्यो ओलंपिक में स्पेन को हराया भी था। तो अब टास्क यह है कि आज के दिन किस तरह से प्रदर्शन करेंगी। जब से कोच ने कमान संभाली और दो बड़े ट्रॉफी और बड़े टूर्नामेंट्स में टीम के साथ हो रहे, तो ऐसे में एक अलग माहौल, एक नया यहाँ पर फ्लेवर और कल्चर देखने को मिला। उड़ीसा एक ऐसा शहर है जहाँ पर हॉकी रगरग में बसता है, फुटबॉल रगरग में बसता है। आप देखिए हॉकी के लिए संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेडियम नया तैयार किया गया, यहाँ बच्चा हॉकी की बात कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। जी बिल्कुल मुकेश, ये सबसे अच्छी बात है कि हॉकी विश्व कप को लेकर और भारतीय हॉकी टीम के पहले मैच को लेकर इतना जोश दिखाई दे रहा है हॉकी प्रशंसकों में, और उम्मीद है कि भारतीय टीम भी इस जोश में जो है नई जान फूके, आज के मैच में जीत दर्ज करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बात कर लेते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 15 खिलाड़ी हैं, जिसमें बाएं हाथ के अनकैप्ड तेज गेंदबाज बेन लिस्टर को भी जगह दी गई है। टीम में केन विलियमसन और टिम साउदी जैसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। अनुभवी ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। 18 जनवरी को हैदराबाद में शुरू होने वाली 3 मैच की वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और भारत के बीच 27 जनवरी से 3 मैच की T20 सीरीज खेली जाएगी। तो इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें, वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार संगठन पाक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में बलूचिस्तान के नागरिकों के लिए बेहद भयानक रहा है। पिछला साल बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सजा, जबरन गुमशुदगी, हत्या, नरसंहार और हिंसा के साथ मानवीय त्रासदी से भरा था। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे साल सिंध और बलूचिस्तान इलाकों में पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी रोधी विभाग और सीमा पर तैनात बलों ने बच्चों और महिलाओं सहित सैकड़ों बलूच लोगों को जबरन गुमशुदा किया, सामूहिक रूप से दंडित किया, फर्जी मुठभेड़ों में मारा और विभिन्न क्षेत्रों में यातनाएं दी हैं। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में 629 लोगों को जबरन गुमशुदा घोषित किया है। गैरकानूनी रूप से 1995 लोग माफ करिएगा गैरकानूनी रूप से 195 लोगों को मारा और 187 लोगों को प्रताड़ित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रीय आंदोलन की हिमायती सभी पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और केवल पाकिस्तानी सेना की समर्थक पार्टियों को ही राजनीति में भाग लेने की आजादी है। राष्ट्रवादी पार्टियों पर प्रतिबंध के चलते बलूचिस्तान में एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है, जिसे पाकिस्तानी सेना अपने समर्थक पार्टियों से भरना चाहती है। बलूच परिवार कई सालों से अपनों की बरामदगी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और परिवारों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की शक्तिहीन सरकार अपने वादों को पूरा करने और कानून लागू करने में विफल रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे 2019 के ईस्टर हमले के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपए का भुगतान करें। अदालत ने कहा कि हमले की आशंका के बारे में प्रामाणिक जानकारी होने के बावजूद उसे रोक पाने में उनकी लापरवाही के लिए ये आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें मुआवजे के भुगतान के बारे में 6 महीने में जानकारी दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को अपने फैसले में व्यवस्था दी कि 2019 के ईस्टर संडे के हमलों को रोक पाने में नाकाम रहते हुए याचिकाओं में नामजद प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अधिकारी घातक आत्मघाती बम हमले रोकने के लिए भारत की ओर से साझा की गई विस्तृत खुफिया सूचना पर कार्रवाई करने में विफल रहे। कोर्ट ने सिरिसेना को 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपए उन्हें उनकी निजी निधि से भुगतान करने का आदेश दिया है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी नसीब नहीं हो पा रही है। वहां हर रोज लाखों कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और हजारों में लोग जान गंवा रहे हैं। अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। इस बीच चीन में कोरोना वैक्सीन की भी कमी सामने आई है। लोग अब पड़ोसी देश हांगकांग में जाकर वैक्सीन लगाने को मजबूर हो रहे हैं। करोड़ों चीनी यात्री mRNA COVID-19 टीके प्राप्त करने के लिए हांगकांग जा रहे हैं, जो चीन में उपलब्ध नहीं है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वहां की स्वास्थ्य प्रणाली भी ध्वस्त हो गई है। हांगकांग द्वारा चीन के लोगों के लिए 3 साल में पहली बार अपनी सीमाओं को खोलने के फैसले के 5 दिन बाद वहां लोग वैक्सीन लेने के लिए आते देखे। बीजिंग निवासी योयो लियांग वर्चुअल ने बताया कि वो सबसे पहले ग्राहकों में से एक थी जिन्होंने बायोएनटेक COVID-19 वैक्सीन लगवाई और इसके लिए उन्होंने लगभग 20,000 रुपये का भुगतान किया। गौरतलब है कि पिछले महीने अपनी शून्य कोविड नीति को अचानक छोड़ देने के बाद चीनी शहर वुहान में 3 साल पहले वायरस के उभरने के बाद संक्रमण कम प्रतिरोधक क्षमता वाली आबादी में बढ़ रहा है। अब
और चीन में कोरोना की मार के बाद अर्थव्यवस्था की सुस्त गति की खबरों के बीच अब वहां से श्रमिकों की छटनी के समाचार भी मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग में कोविड परीक्षण किट बनाने वाली कंपनी जाइब्यू ने हजारों श्रमिकों को काम से निकाल दिया है। इस अचानक हुई छटनी के विरोध में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना से संबंधित ऑनलाइन वीडियो में श्रमिकों को कोविड परीक्षण किट के बक्से तोड़ते हुए, कंपनी के कार्यालयों में तोड़फोड़ करते हुए और पुलिस से भिड़ते हुए देखा गया है। श्रमिकों ने बताया कि कंपनी द्वारा अचानक करीब 8,000 कर्मचारियों की छटनी किए जाने के बाद वहां उपद्रव शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को बताया गया कि वे चीनी नववर्ष के लिए 2 सप्ताह पहले ही घर जा सकते हैं। निकाले गए ज्यादातर कर्मचारियों को चीन की शून्य कोविड नीतियों से सृजित परीक्षणों की अत्यावश्यक मांग पूरी करने के लिए काम पर रखा गया था। चीनी सरकार द्वारा अपनी शून्य कोविड नीति खत्म करने और अनिवार्य परीक्षण समाप्त करने के बाद इस दवा निर्माता के कारोबार को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका इन दिनों मौसम की वजह से तबाही झेल रहा है। पहले पूरे अमेरिका में बॉब तूफान आने के बाद अब वहां टॉर्नेडो तबाही मचा रहा है। अलबामा राज्य सहित सेल्मा में खराब मौसम और टॉर्नेडो ने जान माल के साथ में प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है। यहां एक साल में कई टॉर्नेडो आए जिससे कई लोगों की जान गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉन्टगोमरी के बाहर ऑन्टुगा काउंटी में खराब मौसम की वजह से कम 6 लोगों की मौत हो गई। सेल्मा के मेयर के ऑफिस के मुताबिक टॉर्नेडो ने सेल्मा शहर को काफी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने बवंडर की पुष्टि करते हुए लोगों से इससे बचने की सलाह दी है। वहां सेल्मा के मेयर ने कहा कि बवंडर से काफी नुकसान हुआ है जिसमें जॉर्जिया और मिसिसिपी के हिस्से भी मौसम से प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ मिडडे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।